गद्य विश मुद्रा नाम धनम प्रोक्तम मुद्रा नामे धन कहवायू छे। जेनी आपणे प्रस्तावना जोईए। मानव जीवन ना चार पुरुषार्थ तरीके धर्म अर्थ काम अने मोक्ष ने मानवामां आव्या छे। आमांथी जे अर्थ छे तेमां जीवन जीवा माटेना आवश्यक पदार्थों जेवा के अन्न वस्त्र पशुओं गृह जेवी विविध वस्तुओं समावेश थाय छे। आ बधी वस्तुओ एक प्रकारनुं धन के अर्थ ज छे। मानव जीवन ना एक लक्ष्य तरीके आ धन के अर्थ ने पण स्थान आपवामां आव्युं छे। एटले चार पुरुषार्थोमांनो एक पुरुषार्थ अर्थ छे, जेनो अर्थ थशे धन के नाणुं। प्राचीन समय में घणे भागे कोई एक व्यक्ति कोई एक वस्तु उत्पादन करती, ए पछी ज्यारे तेने बीजी कोई वस्तु की आवश्यकता पड़ती त्यारे ते पोते उत्पन्न करेली वस्तु ने बीजी व्यक्ति ने आपी तेना बदला में ते व्यक्तिए उत्पन्न करेली वस्तु ने मेड़ी लेती। बराबर आम वस्तु ने बदले वस्तु की आप ले कराती आने विनिमय के साटा पद्धति तरीके ओळखवामां आवे छे। समय जता आ विनिमय पद्धति ने बदले अमुक वस्तु ने प्रतीक के माध्यम तरीके स्वीकारवामां आवी। प्राचीन समय में विनिमय पद्धति हती। बराबर समय गयो एटले कोई एक वस्तु ने प्रतीक तरीके स्वीकारवामां आवी विनिमयना साधन तरीके, अने तेना द्वारा वस्तुनी आपले थवा लागी। आ प्रतीक के माध्यम तरीके सौथी वधारे प्रचलित अने सफल बनी होय तो ते छे मुद्रा। आम आ मुद्रा पण एक प्रकारनु धन के अर्थ ज छे। एटले मुद्रा एटले पैसो नाणु। एटले प्राचीन समय में वस्तुना बदले मुद्राओ छे ए अपाती। अत्यारे जेम नोटो अपाय छे ए रीते प्राचीन समय में मुद्रानो उपयोग थतो। वैविध्यसभर मुद्राओनी परिकल्पनामां प्राचीन काळथी ज भारत देश अग्रणी रह्यो छे। इतिहास साक्षी छे के भारत में जेटली वैविध्यसभर मुद्राओ प्रचलित बनी हती तेटली विश्वना कोई अन्य देश में प्रचलित बनी शकी नथी। ए जमानामां आ मुद्राओ धातुमय कोई धातुमांथी निर्माण पामेली हती। ए पछी लगभग 18मी-19मी सदीथी कागळ करगजनी मुद्रा अस्तित्वमां आवी छे। प्रस्तुत पाठनो विषय आ मुद्रा छे। अत्यारे कागळनी जे मुद्रा रुपियानो व्यापक उपयोग थई रह्यो छे तेनी प्रतिकृति एटले के नकल न थाय ते माटे केटलीक छुपी कूट व्यवस्था करवामां आवी छे। એમનો પરિચય આપવાના લક્ષ્ય સાથે આ પાઠની રચના કરવામાં આવી છે। એટલે મુદ્રા પ્રાચીન સમયમાં ધાતુની હતી અને અત્યારે કાગળની મુદ્રાનો ઉપયોગ થાય છે, તો એ કાગળની મુદ્રામાં કેટલાક છુપા રહસ્યો રાખેલા છે। એટલે કે અત્યારે જે નોટનો ઉપયોગ આપણે કરી રહ્યા છીએ વ્યવહારમાં, એમાં ઘણા બધા એવા છુપા સ્થાનો છે જેથી નોટ અસલી છે કે નકલી તેનો બધાને ખ્યાલ આવે અને વિદ્યાર્થીની બહેનો પણ એનો ખ્યાલ મેળવે તે માટે થઈ અને આ પાઠની રચના કરવામાં આવી છે। ભાષાંતર જોઈએ। શિષ્ય ગુરુવર્યા સાદરમ નમો નમઃ। ગુરુજી સાદર પ્રણામ। ગુરુ વર્ધતા એટલે વૃદ્ધિ પામો। શિષ્ય અધ્યમય એકમ પદ્યમ પઠિતમ। આજે મેં એક શ્લોક વાંચ્યો। પદ્યમ એટલે શ્લોક। યસ્યાસ્તિ મુદ્રા સ નરઃ કુલીનઃ સ એવ વિદ્વાન સ ચ માનનીય સ એવ નેતા સ ચ રક્ષણીય સર્વે ગુણઃ તામ અનુયાન્તિ લોકે। યસ્યા મુદ્રા અસ્તિ જેની પાસે મુદ્રા એટલે કે ધન છે સ નરઃ કુલીનઃ તે સ નર એટલે તે મનુષ્ય તે માનવ કુળવાન છે કુલીન એટલે કુળવાન છે સ એવ વિદ્વાન તે જ વિદ્વાન છે ચ સ માનનીય અને તે માનનીય છે સન્માનીય છે સ એવ નેતા સ ચ રક્ષણીય સર્વે ગુણઃ તમ તામ અનુયાન્તિ લોકે
सैव नेता तेज नेता है, च संरक्षणीय अने ते रक्षणीय छे ते रक्षायेलो छे, सर्वे गुणा बधाज गुणों ताम एटले कि तेमा तेने अनुयांती एटले कि अनुसरे छे लोके एटले कि संसार में, आ संसार में बधाज गुणों तेने अनुसरे छे। जेनी पासे धन छे ते मनुष्य कुळवान छे, तेज विद्वान छे, तेज माननीय छे, तेज नेता छे अने ते रक्षायेलो छे, बधा गुणों आ संसार मा तेने अनुसरे छे। अस्य पद्यस्य तात्पर्य ज्ञातुम इच्छामि, शिष्य कहे छे आ श्लोकनो भावार्थ ज्ञातुम एटले जाणवा, इच्छामि एटले इच्छू छू, आ श्लोकनो भावार्थ जाणवा इच्छू छू, बराबर। गुरु साधु शिष्य साधु, सारु शिष्य सारु, अस्मिन् पद्ये मुद्रायाः महत्वं प्रतिपादितम् अस्ति। आ श्लोक में धननु महत्व, मुद्रायाः एटले धननु महत्व एटले महत्व प्रतिपादितम् अस्ति एटले कहेलू छे अथवा प्रतिपादित करेलू छे, बराबर। आ श्लोक में धननु महत्व बतावायेलू छे। शिष्य गुरव केयम मुद्रा इति, गुरुजी अयम मुद्रा के आ मुद्रा शू छे। गुरु सुनो शिष्य, शिष्य सांभळ, मुद्रा नाम धनम प्रोक्तम विनिमयस्य साधनम, मुद्रा नामे धनम प्रोक्तम एटले धन कहेवायुं छे जे विनिमयनुं एक साधन छे। विनिमय एटले आपणे जोयुं ज प्रस्तावनामां के साटा पद्धति एक वस्तुना बदले बीजी वस्तु लेवी। ए गुरुजीए शुं कीधुं, शिष्य सांभळ, मुद्रा नामे धन कहेवायुं छे जे विनिमयनुं एक साधन छे, धातुमय तथा च अन्य कर्गजजा प्रकृतिता, धातुनी मुद्रा छे अने अन्य कागळनी मुद्रा प्रकृतिता एटले कहेवाय छे। कर्गजजा एटले कागळनी, धातुनी अने अन्य कागळनी मुद्रा कहेवाय छे। मुद्रा नामे धन कहेवायुं छे जे विनिमयनुं साधन छे, एक धातुनी मुद्रा छे अने अन्य कागळनी मुद्रा कहेवाय छे। शिष्यः एतयोः प्राचीनतरा का, एतयोः एटले कि आमांथी प्राचीनतरा एटले कि सौथी प्राचीन का एटले कई छे, आमांथी प्राचीन कई छे, एटले आ बंने मुद्रामांथी एटले कि धातुनी मुद्रामांथी अने कागळनी मुद्रामांथी प्राचीन मुद्रा कई छे। गुरुः धातुमयी मुद्रा प्राचीनतरा अस्ति, धातुनी मुद्रा प्राचीन छे, कर्गजी मुद्रा तु अर्वाचीना, कागळनी मुद्रा अर्वाचीन छे एटले कि आधुनिक छे। विनिमयस्य साधनत्वेने धातुमयाः मुद्रायाः प्रयोगः भारतवर्षे प्रायः सार्धद्विसहस्र वर्षेभ्यः प्रचलति। विनिमयना साधन तरीके धातुनी मुद्रानो प्रयोग भारत में मोटा भागे 2500 वर्ष थी प्रचलित छे। प्राचीन काले एताह मुद्रा सुवर्णमयी, रजतमयी, ताम्रमयी चैति विविधाः आसन। प्राचीन समय में आ मुद्रा सोनानी, चांदीनी अने तांबानी एम विविध प्रकारे हती, परंतु तदानीं कर्गजयः मुद्राः प्रचलिताः न आसन, परंतु त्यारे कागळनी मुद्रा प्रचलित न हती। शिष्यः गुरुवर्य एतयोः कतमा मुद्रा अधिकं उपयुक्ता अस्ति, गुरुवर्य
एतयोः कतमा मुद्रा अधिकं उपयुक्ता अस्ति? गुरुः, वत्स एतयोः धातुमयी मुद्रा अधिकं उपयुक्ता अस्ति। वत्स, आमाथी धातुनी मुद्रा वधारे उपयोगी छे। एटले शिष्याए पूछ्युं, गुरुजी आमाथी कई मुद्रा वधारे उपयोगी छे? गुरुजी जवाब आपे छे, वत्स आमाथी धातुनी मुद्रा वधारे उपयोगी छे। शिष्य, कथम, केवी रीते? गुरु, अत्र बहुनी कारणानि सन्ति। अहीं घणा बधा कारणों छे। तद्यथा, ते आ प्रमाणे छे। धातुमयी मुद्रा शीघ्रं विनष्टा न भवति। धातुनी मुद्रा झड़पथी नाश पामती नथी। इयं जले निमग्ना अपि तथैव तिष्ठति। इयं आने पाणीमां डूबाड़वा छता तथैव तिष्ठति, तेमनी तेमज रहे छे। एटले कहे छे, धातुनी मुद्रा झड़पथी नाश पामती नथी अने पाणीमां डूबाड़वा छता तेमनी तेमज रहे छे। तेलस्य संपर्कादपि अस्य उपरि कोऽपि प्रभाव न भवति। तेलना संपर्क में आवा छता अस्य उपरि तेना उपर कोऽपि प्रभाव न भवति, कोईपण प्रभाव थतो नथी अथवा कोईपण प्रभाव पड़तो नथी। स्वल्पात अग्ने इयं सरलतया रक्षितुं शक्यते। थोड़ा अग्नि वड़े आने सरळताथी रक्षी शकाय छे अथवा आनु सरळताथी रक्षण करी शकाय छे। एटले अग्निमां धातुनी मुद्रा नाखो तो ओछो अग्नि होय अथवा तो ओछा अग्निमां नाखेली मुद्रा छे एने कोई नुकसान थतुं नथी। बराबर, तेलना संपर्कमां आवा छता पण तेने कोई तेना पर कोई प्रभाव पड़तो नथी। पाणीमां डूबाड़ छता तेमनी तेमज रहे छे एटले झड़पथी नाश पामती नथी। अथ च देशे विदेशे च अनया धातुमयी मुद्राया विनिमय कर्तुं शक्यते। अने वड़ी देश अने विदेश में आ धातुनी मुद्रा वड़े विनिमय करी शकाय छे। यतही कारण के तत्र त्यां धातुः मूल्यं धातुनु मूल्य सर्वत्र बधेज समानतया स्वीक्रियन्ते, समान रूपे स्वीकारेलू छे। कारण कि त्यां धातुनु मूल्य बधेज समान रीते स्वीकारेलू छे। नमस्ते।